हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई बढ़ गई है। मंगलवार शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर गुटबाजी के आरोप लगाते हुए दोनों नेताओं में तकरार बढ़ गई। प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने आरोप लगाया कि सांसद पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रही हैं। इस पर शैलजा ने पलटवार करते हुए कहा कि कार्यक्रमों के लिए बुलाया ही नहीं जाता। इस दौरान राहुल गांधी को ये कहते हुए हस्तक्षेप करना पड़ा कि ये सिर्फ हरियाणा की बैठक नहीं है, दोनों नेताओं को एक दूसरे को साथ लेकर चलने के निर्देश दिए गए। इस घटनाक्रम के एक दिन बाद ही बुधवार को कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और हरियाणा के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है, चुनाव नजदीक है, इसलिए हरियाणा कांग्रेस में सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय बैठक में तकरार के सवाल पर सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, किसी भी बैठक में कोई टकराव नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहानियां कैसे सामने आ रही हैं मुझे नहीं पता, ये सिर्फ कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले भी कहा है, हरियाणा कांग्रेस में सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी, हम सब मिलकर करेंगे, हमारा असली लक्ष्य राज्य चुनाव जीतना है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कुमारी शैलजा ने अपने बयान में कहा क्या है। देखो, जो बैठक की बातें थी वो बैठक में ही थी और ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने देखा है। कोई किसी की मीटिंग में कहीं किसी का कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात कहीं नहीं हुई है। अब ये कैसे कहां से क्या स्टोरीज हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल। हरियाणा कांग्रेस में देखो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले भी कहा, मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे, क्योंकि असली मकसद तो ये है कि स्टेट जीते हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बरोली ने भी निशाना साधा। बरोली ने सोशल मीडिया पर कहा कि मान मनोबल करने गए थे और सिर्फ फुटावल करके आ गए। कांग्रेस की बैठक अब कुश्ती का अखाड़ा बन गई है। कुमारी शैलजा और उदयभान अपनी लड़ाई कांग्रेस के शाही परिवार के पास सुलझाने गए थे, लेकिन समस्याएं सुलझाने के बजाय राहुल गांधी के सामने ही दोनों भिड़ गए, बात हाथापाई तक पहुंच गई। आपको बता दें, मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए प्रदेशाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की थी। चौधरी उदयभान हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष के नाते बैठक में शामिल हुए, जबकि कुमारी शैलजा राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर आई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान एक दूसरे के कार्यक्रमों में बुलाने को लेकर उदयभान और शैलजा में तीखी बहस हो गई। कुमारी शैलजा ने प्रदेशाध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा का ब्यौरा दिया। उदयभान ने शैलजा पर पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाने का आरोप लगाते हुए हरियाणा मांगे हिसाब की रिपोर्ट रखी। कांग्रेस की इस बैठक में तय हुआ कि 22 सितंबर को जिंद में कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की राज्य स्तरीय रैली होगी। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, साथ ही हरियाणा के सभी दिग्गज नेता यहां एक मंच पर दिखेंगे। अभी तारीख को लेकर अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। वहीं इससे पहले प्रदेश भर की 90 विधानसभा में पहुंचने के लिए 27 अगस्त से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रथ यात्रा शुरू होगी। ये रथ यात्रा हिसार या भिवानी से शुरू होगी और इसमें प्रदेश के सभी नेता हिस्सा लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।